रोनाल्डो पर लगे बैन के बाद गुस्से में आया ये पूर्व दिग्गज, बोल दी ऐसी बात। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लगे 5 मैचों के प्रतिबंध की क्लब के मुख्य कोच जिनेदिन जिदान ने आलोचना की है। समाचार एजेंसी एफए की रिपोर्ट के अनुसार स्पेन के फुटबॉल संघ ने 1 मैच के दौरान रेफरी को हल्का सा धक्का देने के मामले में रोनाल्डो पर 5 मैचों का प्रतिबंध लगाया। स्पेनिश सुपर कप के पहले चरण में कैंप नाउ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रियल ने बार्सिलोना को 3-1 से मात दी। जिदान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं बहुत नाराज हूं और निराश हूं। मैं रेफरी के साथ इस मामले में उलझना नहीं चाहता, लेकिन 5 मैचों तक रोनाल्डो के टीम के साथ ना खेलने की बात से निराश हूं। यह सही नहीं है, कोच ने कहा, यह रोनाल्डो पर लगा प्रतिबंध है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आप तथ्य पर ध्यान दें तो रोनाल्डो पर 5 मैचों का प्रतिबंध बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, गोल करने के बाद मैं टी शर्ट उतारकर जश्न मनाने और रेफरी को धक्का देने पर रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने सोमवार को 5 मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। रविवार को कैंप नाउ में रियल ने बार्सिलोना को स्पेनिश सुपर कप के पहले चरण के मुकाबले यानी रियल और बार्सिलोना के बीच मैच में 3-1 से पराजित किया। इस दौरान पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने शानदार गोल किया। जोश में उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी, जिसके चलते रेफरी रिकॉर्डर डी बुगरेसे ने उन्हें पीला कार्ड दिखाया। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पेनल्टी हासिल करने के लिए गलत ढंग से डाइव लगाई, जिसके लिए उन्हें दोबारा दंडित किया गया। इसके अलावा उन्होंने रेफरी रिकॉर्डर को धक्का भी दिया। रोनाल्डो पर रेड कार्ड के लिए 1 मैच का प्रतिबंध और रेफरी को धक्का देने के लिए 4 मैच का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए रोनाल्डो पर 3,850 यूरो व रियल पर 1,750 यूरो का जुर्माना किया है। अब रोनाल्डो स्पेनिश सुपर कप के दूसरे चरण में नहीं खेल सकेंगे, जो कि 17 को खेला जाएगा।